नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर नए आपराधिक कानून की पुलिस प्रशासन ने दी जानकारी। जहां पूरे राष्ट्र में 1 जुलाई 2024 से लागू हुए नए 3 आपराधिक कानून के बारे में पुलिस द्वारा देश भर में जगह जगह जागरूकता अभियान के तहत जागरूक शिविर लगाकर नागरिकों को लागू हुए इन 3 कानून के बारे में जानकारी देकर कानूनों प्रति जागरूक किया जा रहा है। उसी क्रम में जसपुर कोतवाली प्रांगण में उच्च अधिकारियों से प्राप्त निर्देशन में तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी महोदया काशीपुर की मौजूदगी में देश में लागू हुए नए 3 आपराधिक कानूनों के संबंध में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें थाना क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, प्रधान, गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी, महिला स्वयं सहायता समूह, आंगनबाड़ी, आशा कार्यकर्ती, पैरा लीगल वॉलंटियर्स के सदस्य आदि तथा स्कूल के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। सभी को 3 नए आपराधिक कानूनों के संबंध में नवीनतम जानकारी देकर उनके प्रति जागरूक किया और बताया कि अब तक देश में ब्रिटिश कालीन कानून लागू थे, जिनको समाप्त कर अपने राष्ट्र के भारतीय कानून लागू किए गए हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग आदि को भी साक्ष्य का रूप दिया गया है, जिनके आधार पर भी प्रकरण का फैसला सुनाया जाएगा, तथा साथ ही बताया कि किसी भी प्रकरण में दर्ज FIR के समय से प्रकरण की समाप्ति तक लगने वाले समय दोनों को ध्यान में रखकर कम समय में फैसला सुनाया जाएगा, तथा न्यायालयों में पूर्व से पंजीकृत चले आ रहा वादों की सुनवाई पुराने कानूनों के तहत की जाएगी, तथा 1 जुलाई 2024 से नए नियम के तहत होने वाले पंजीकरण मुकदमों में लागू हुए नए कानूनों के अनुसार सुनवाई की जाएगी। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड मिंटू अजय सागर की रिपोर्ट।